नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख पा रहे होंगे द ऑल न्यू SP160 जो होंडा का अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। इस गाड़ी के बारे में आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे और इसका क्या क्या फीचर है, क्या माइलेज है, क्या प्राइस है और क्या नया अपडेट किया है होंडा ने इसको कि इसको सारे चीज़ एक एक चीज़ हम बारीक बारीक से इस वीडियो में आपको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस गाड़ी का चारों तरफ एक बार लुक आपको दिखा देते, फिर हम आपका स्टार्ट करेंगे इसके जो की फीचर है और माइलेज है और नया जो इंजन का बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। इस करते हैं ना, इसका आपको ये डिस्प्ले लाइट जो स्पीडोमीटर वगैरह जो पहले हमारा था 125 में जो आपको डिजिटल नहीं आ रहा, यहाँ पे फुल्ली डिजिटल आपको मिलेगा जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो न्यूट्रल में है, यहाँ पे गियर दिखाई देगा और साथ में यहाँ पे स्पीड दिखाई देगा और यहाँ पे टाइम वगैरह, ये जो क्लक वगैरह नया मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें। और साइड में सेम चीज़ आपको मिलेगा, ये आपको टर्निंग लाइट मिलेगा, ये आपको पास लाइट मिलेगा, ये आपको हॉर्न मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में एज यूजल सब गाड़ी में आपको यहाँ पे सेल्फ मिल जाएगा और ये आपको जो इंजन कटअप का जो इंजन किलिंग स्विच मिल नहीं रहा था आपको यहाँ पे, आपको ये दिखाई देगा। और ये वाला जो हजार लाइट का है इसको, ये पहले नहीं था, जो इसको अगर ऑन करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो चारों इंडिकेटर आगे वाला दो और पीछे वाला दो ये हम आपको दिखा देंगे। ये आप देख पा रहे हो हजार लाइट जो है आगे वाला दोनों हजार लाइट जल रहा है और पीछे भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये पीछे वाला हजार लाइट देख पा रहे हैं। ये जो पहले जो SP में ये नहीं था, अब जो न्यू SP160 पे ये वाला फीचर आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो इसका जो SP160 का जो आपको फ्यूल टैंक देख पा रहे हो, यहाँ पे दो थोड़ा डिजाइन किया गया है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, पहले वाला जो SP में था ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स लुक टाइप का दिखाया गया है और यहाँ पे बिल्कुल आपको खाली मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे राइडिंग कर रहे हैं तो पैर यहाँ पे रख के तो आपका जो थाई वाला पोर्शन यहाँ पे चिपक जाता है, तो एक राइडर को एक कंफर्टेबल राइड देता है। साथ में आपको इस फ्यूल टैंक के बात करेंगे तो फ्यूल टैंक में आपको 12 लीटर का तेल मिल जाता है और साथ में ये जो दोनों साइड का है भाई फाइबर का है और यहाँ पे इसका थोड़ा अगर आपको ज़ोर से थोड़ा मारेंगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक वाला जो हॉलो मतलब इसके अंदर जो खाली वाला जो हॉलो आवाज़ आता है इसको मारने के बाद। अगर इंजन के नीचे आप आएंगे ये आपको इंजन आ जाएगा, 160 का इंजन आ जाएगा। यहाँ पे आपको होंडा का लिखा हुआ ब्रांडिंग किया होगा यहाँ पे दिखाई देगा। 5 स्ट्रोक वाला इंजन मिल जाएगा, जैसे कि एक नीचे 4 ऊपर। और साथ में यहाँ पे कंपनी ने इस बार ये जो नया SP160 में आपको वाटर गार्ड दिया है, पहले वाला जो 9 SP था उसमें आपको नहीं मिलेगा जो वाटर गार्ड, ये थोड़ा अच्छा किया है कंपनी को। भी हम आपको दिखा रहे हैं ये हम आपको फ्रंट वाला डिस्क दिखा रहे हैं, ये फ्रंट वाला है और पीछे वाला हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ये वाला है आपको पीछे वाला। बट आपको सिंगल आपको ABS मिलेगा जो एंट्री लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो फ्रंट वाला है ये वाला डिस्क में आपको मिलेगा, पीछे वाले में आपको नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पे सेल्फ भी मिलेगा और साथ में किक मिलेगा, यह आपको नीचे ये है किक वाला, दोनों इस न्यू SP160 में आपको दोनों आपको मिल जाएगा। और दोनों टायर आपको टायर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे टायर TVS टायर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो टायर है दोनों आपको ट्यूबलेस मिलेगा, ये पीछे वाला टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलेगा। और पहले वाला जो SP था उससे ये थोड़ा गाड़ी का जो टायर को चौड़ा किया गया है कि जैसे कि स्पोर्ट्स लुक है या गाड़ी को तेज भगाने के थोड़ा ग्रिप पकड़ने का मतलब उस टाइप का डिजाइन में ये वाला नया वाला जो SP को डिजाइन किया गया है। और आपको यहाँ पे सीट जो आपको सिंगल सीट मिलेगा, कोई स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल सीट मिलेगा। और पीछे होल्डिंग के लिए आपको सेम एज यूजुअली जो SP में पहले वाला SP में था सेम आपको होल्डिंग वाला पीछे मिलेगा। और आपको सेम जगह पे या ये वाला चाबी है जो की पोजिशन दिया गया, यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये आपको सीट खोल के हाथ में आ जाएगा। और इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रिकल इसके इंडिकेटर और इसका जो इंजन का सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो सारे चीज़ इसके अंदर ही मिल जाएगा, पे एज यूजुअली आपको मिल जाएगा, जैसे लेडीज वगैरह रखने के लिए फुट रेस्ट मिल जाएगा और यहाँ आपको पिलियन का मिल जाएगा और यहाँ पे आपको राइडर का मिल जाएगा जो पहले से थोड़ा ये ऊपर पिलियन का जो फुट रेस्ट रखा गया है
और यहाँ पे अगर नीचे आप हम आएंगे तो इसका अगर ग्राउंड क्लियरेंस पूछेंगे तो ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बड़ा रखा है यहाँ पे कंपैरेटिवली पहले वाले से 177 mm का है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे किसी में भी रोड पे भी ये चल सकता है, मतलब ख़राब से ख़राब रोड पे अगर आप ले कर चलोगे इस गाड़ी को, यहाँ पे कोई हम्स वगैरह या बड़े ब्रेकर्स जो रहते हैं यहाँ पे लगने का कोई टेंशन नहीं है भाई। और आपको सीट हाइट दिखाते हैं, अगर देखेंगे तो 769 mm का है, तो यहाँ पे ऐसा कोई मैंने किसी भी हाइट के लिए आपको परफेक्ट ये गाड़ी है। जैसे कि ये पूरा फुल पैर आप रख सकते हैं, जैसे कि मेरा हाइट 5'6" है, मेरा पैर बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर ग्रिप के साथ आप गाड़ी को चला सकते हैं, मतलब पहले वाला गाड़ी से थोड़ा मेरे कम किया गया है। गाड़ी के अगर वेट की बात करेंगे तो 139 kg का है, जो पहले वाला SP था वहाँ से थोड़ा बहुत वेट बढ़ाया गया है। और पहले वाला SP में आपको दो सकप्चर मिल रहा था, अब यहाँ पे आपको एक मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर एक मोनोसॉकर करके बोलते हैं इसको, और ये अंदर आप देखिए ये अंदर लगा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे बैठेगा, यहाँ पे राइडर जब यहाँ पे बैठेगा तो लॉन्ग रोड के लिए इसके आपको बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना हो, इसको आधार करते हुए और इसको ध्यान में रख के कंपनी ने इस बार एक सिंगल सॉकर बनाया है। जैसे लॉन्ग राइड में जाने के लिए आपको ये गाड़ी एक कंफर्टेबल राइड देता है। सबसे बड़ी बात आता है इस गाड़ी का प्राइस क्या है। इस गाड़ी का क्योंकि नया आया है तो इस गाड़ी का प्राइस अभी कोलकाता में आपको मिल जाएगा 1.42 lakhs में। सारे चीज़ इसका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह RTO वगैरह सब मिला के 1.42 lakhs में आपको मिल जाएगा। बाकी डिफरेंट स्टेट पे आपको अलग अलग इसका प्राइस रेंज दिखाई देगा। जितने भी सारे गाड़ी है विशाल ऑटो कोलकाता के बैरकपुर में है, बाकी मैं इसका नंबर और इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट करके आपको अगर गाड़ी लेना है तो ले सकते हैं, हर टाइप का गाड़ी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे गाड़ी का जो हेडलाइट आपको LED में मिल जाएगा और ये 1000 lights भी LED में मिलेगा। और यहाँ पे डिपर आप देखो एक नीचे दिया गया है, यहाँ पे डिपर में ना गाड़ी में पहले क्या था ना, एक ही आपको हेलोजिन बल्ब दे रहा था उसमें आपको दोनों काम कर रहा था, बट यहाँ पे न्यू SP में आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। साथ में आपको पीछे वाला 1000 lights भी दिखाते हैं। पीछे वाला 1000 lights ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपको LED का मिलेगा। और ये पीछे वाला जो 10 lights ये भी आपको भाई LED का मिलेगा। इस गाड़ी का अगर माइलेज के ऊपर चलेंगे हम तो ये आपको सिटी और आपको हाईवे में दोनों में आपको 45 से लेके 50 तक मिल जाता है। बाकी इसका कंपनी जो क्लेम करता है 50 करता है। बाकी आपको अगर कोई गाड़ी लिया होगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।